चयन साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो आखिर तक अगर आप देख लेते हो तो 2024 में आप एग्ज़ाम दोगे तो बहुत ही क्वेश्चन इससे लड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका गए थे। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषण है। अगला क्वेश्चन है, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो पांच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठी। अगला क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो सात का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? तो आठ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरकांत है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किशोर। अगला क्वेश्चन है, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, या किसने कहा? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1912। अगला क्वेश्चन है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अध्यम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.5 साल। अगला क्वेश्चन है, आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोप की। अगला क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। सॉरी, 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मसाला पीस रही है। अगला क्वेश्चन है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेजी। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
थाती। अगला क्वेश्चन है अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्ला खां का ननिहाल कहाँ है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काशी है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्ला खां फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौसी से। अगला क्वेश्चन है हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई, तो महात्मा गांधी की हत्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1948 में। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियाम ताम्रपत्र मिले हैं, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजा वरगुन के। अगला क्वेश्चन है बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1020 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन है था का उच्चारण स्थान क्या है, तो 29 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दंत। अगला क्वेश्चन है व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्लुत स्वर। अगला क्वेश्चन है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 है। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुह जोड़ कर दुष्कर। अगला क्वेश्चन है या राला वा कौन व्यंजन कहलाते हैं, तो 35 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अंता अस्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। अगला क्वेश्चन है मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनु। अगला क्वेश्चन है निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी है सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है शक्ति शब्द कौन लिंग है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एक वचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी है संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो 46 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्म कारक का। अगला क्वेश्चन है वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 47 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, तो 48 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इक है धार्मिक। अगला क्वेश्चन है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके
किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो भूत शब्द में प्रत्यय ऑप्शन ए हो जाएगा, ता है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्यायी। अगला क्वेश्चन है, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम पद में। अगला क्वेश्चन है, आशा दीवार किसकी रचना है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सीखा शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चोटी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस खान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस खान की। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्ग का ऐसा परवीन और धीर पथिक तथा जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, कवि धनानंद के बारे में यह किसने कहा है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुजान के आंगन में। अगला क्वेश्चन है, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण धूली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन डी है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन बी है, कुंवर नारायण की। अगला क्वेश्चन है, दो राह समय के रथ का घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है? तो 65 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव जंतुओं की। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिक। कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 ईस्वी में। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन सी है, अंकुर। किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन ए है, इसी दुनिया में।
अगला क्वेश्चन है, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनामिका। कावित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। बिहार। अगला क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1967 में। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, V.R. नारायण ने। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सात कोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? 76 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़ आएगी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? 77 का सही आंसर ऑप्शन डी है, मंगू। अगला क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? 78 का सही आंसर ऑप्शन सी है, तीन। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन ए है, सुजाता। बल्ली अम्मा की बेटी का नाम क्या था? तो 80 का सही आंसर ऑप्शन ए है, पपाती। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 81 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। अगला क्वेश्चन है, दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीड़ा। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम क्या है? तो 83 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पाताल। अगला क्वेश्चन है, जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो 84 का सही आंसर ऑप्शन बी है, अनाथ। अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन सी है, सही न्याय करना। अगला क्वेश्चन है, सेनानायक शब्द कौन समास है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन डी है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 87 का सही आंसर ऑप्शन ए है, सजग होना। अगला क्वेश्चन है, वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो 88 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भविष्य काल का। अगला क्वेश्चन है, पगड़ी शब्द क्या है? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देशज। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 90 का सही आंसर ऑप्शन सी है, पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो 91 का सही आंसर ऑप्शन डी है, पुत्रवती। अगला क्वेश्चन है, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 92 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्जोड़लास, उल्लास। अगला क्वेश्चन है, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो 93 का सही आंसर ऑप्शन सी है, संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन बी है, कटीला। अगला क्वेश्चन है, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आवट। अगला क्वेश्चन है, सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? तो 97 का सही आंसर ऑप्शन डी है, कुसंगति। महात्मा शब्द कौन समास है? तो 98 का सही आंसर ऑप्शन ए है, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्जोड़गम। अगला क्वेश्चन है, भा का उच्चारण स्थान क्या है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओस्ट है।